अगला अजम्पशन है, आप मिथपैट के बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बहुत अच्छा टाइटल दे दिया। और रही बात बेस्ट फ्रेंड की, तो मैं और मिथपैट बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं, लेकिन हम लोग प्लीज टाइम निकाल और खत्म हो जाओ, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट भी मेरे को याद नहीं है, आजकल पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, लेकिन आज है 8 नवंबर, दैट इज़ अ संडे। एंड लास्ट मैंने व्लॉग किया था 2 नवंबर को। कहानी को ना शुरुआत से शुरू करते, तो 2 नवंबर 2020 को मैं, नवीन भाई, ख्याति एंड अनुज वेंट टू खोपोली। अच्छा खासा हमने व्लॉग बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा गया, दिन बहुत अच्छा था मेरा। घर आके एकदम थक गया था, तो आई वेंट ऑफ टू स्लीप, और मुझे पता नहीं था कि अगले 4 दिन मेरे साथ क्या होने वाला है। फास्ट फॉरवर्ड टू 3rd नवंबर 2020। ऑल्सो मैं ये 2020 बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये साल इतना ज़्यादा घटिया, नीच, निहाय थी, पता नहीं कौन सी गाली दूँ इस साल को। क्योंकि जब कभी मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई अब ये साल थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, उसी टाइम कुछ ना कुछ तो कीड़े होने रहते ही है मेरे जिंदगी में। तो 3rd नवंबर को सुबह उठ के मैं सबसे पहले जिम जाता हूँ, अच्छा खासा वर्कआउट करता हूँ, मेरी बॉडी अंदर से मुझे बहुत खुशी दे रही होती है कि हाँ भाई वापस थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। लेकिन उसी दिन दोपहर को सोने के बाद शाम को जब मैं उठता हूँ, मेरे गले में तो हाँ बॉस, ये थी मेरी 2 और 3 नवंबर की स्टोरी। क्योंकि उसके बाद 4 नवंबर 5 नवंबर 6 नवंबर और 7 नवंबर, ये 4 दिन मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, वो है सुबह उठने का, खाने का, पीने का, सो जाने का, स्कैम 1992 देखने का, वापस से मोटिवेट होने का, वापस से सो जाने का। तो मेरे पिछले 4 दिन है ना इतने घटिया गए, बट ठीक है, आई वॉन्टेड अ ब्रेक और वो मेरे को ब्रेक मिल गया। लेकिन आज संडे है और मैंने सोचा आज है ना अपन ब्लॉग बनाएंगे, इनफैक्ट आज ही नहीं, आज से अपन ब्लॉग्स बनाएंगे। अब जो समझदार है उसको समझेगा, जो नहीं है वो समझ जाएगा। लेकिन पिछले 4 दिनों में चाहे मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया हो, लेकिन एक चीज़ तो मैं समझ गया हूँ कि लाला रिस्क है तो इश्क है। अजम्पशन, 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 हम जिंदगी में इतना ज़्यादा अज्यूम कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं वही हमेशा सच होता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कभी कभी शायद वो झूठ भी होता है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आपने ना एक अजम्पशन वाला वीडियो बनाते हैं, वेयर आई विल बी आस्किंग माई फॉलोअर्स, माई सब्सक्राइबर्स कि अज्यूम करो मेरी जिंदगी की कुछ भी बातें और मैं बताऊंगा आप लोगों की वो सच है कि नहीं। और आप लोग ने इतनी अजीब अजीब चीज़ें अज्यूम की है कि भैया वो पढ़ के मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आ गया। सो लेट्स बिगिन विद ऑल द अजम्पशंस दैट यू गाइस हैव मेड अबाउट मी इन द नेक्स्ट 3 सेकंड्स। 1, 2, यू आर अ यूट्यूबर, ये अजम्पशन था क्या? तो पिछले 1.5 साल से मैं यूट्यूब पे, मैं टिकटॉकर हूँ एक्चुअली गाइज, माय रियलिटी इज दैट मैं एक टिकटॉकर हूँ, और अब मेरा टिकटॉक बैन हो चुका है, तो मैं क्या करूँ आप ही बताओ। मैं Saras.exe अज्यूम कर रहे कि मैं आत्मनिर्भर हूँ। यस गाइज, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं cake_420_, वाह क्या नाम है यार, ऐसे ऐसे आइडियाज़ मेरे दिमाग में कभी क्यों नहीं आते। एनीवेज, तो वो अज्यूम कर रहे हैं दैट आई मस्ट बी अर्निंग 50,000 rupees अ मंथ। 50,000? हेलो हर्षित भाई, एक काम करो ना, मेरे लिए 3-4 जी मास्टर का लेंसेज ले लो। अरे ले लो बिंदास, ले लो। अरे अज्यूम किया है 50,000 महीने का, ले लो ले लो। हेलो, अरे रशिद भाई एक काम करो ना, 3-4 मैविक का ड्रोन्स ले लो ना। हाँ हाँ, अरे बिंदास। अरे मुकेश भाई केम छो तमे, अरे वो ईशा का घर है ना। तो एकदम तहे दिल से, बॉटम ऑफ माय हार्ट से आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग ये अज्यूम करो मैं 50,000 rupees एक महीने में बना लेता हूँ यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह बना के। बट नहीं नहीं नहीं, वो सच्चाई नहीं है। इसकी जो सच्चाई है ना इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भैया कंटेंट कभी मिस नहीं करना चाहिए। डू योर पेरेंट्स नो दैट यू हैव स्टॉप ईटिंग टट्टी? कुछ भी नहीं, मतलब टट्टी से ऑब्सेशन क्या लोगों को, मुझे कभी समझ नहीं आता। क्या कभी आपने किसी इंसान को खुद की टट्टी खाते हुए देखा है? अगर देखा है तो मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ रही है, लेकिन मैं नहीं करता ये सब हरकतें। मेरे घर पे अच्छा खासा रोटी सब्जी बनता है, मैं वो खा लेता हूँ। तो प्लीज़ आप ड्रग्स लेते हो? क्या मैं आपको जर्सी दिखता हूँ? क्या मैं आपको ड्रग एडिक्ट दिखता हूँ?
हाँ मैं दिखता हूँ ऐसा, मुझे पता है, लेकिन मैंने लाइफ में आज तक कभी ड्रग्स ट्राई नहीं किया है। एंड आई वुड रेकमेंड एवरीबडी कि मत ट्राई करो प्लीज़, ऑन अ वेरी सीरियस नोट मत ट्राई करो प्लीज़ मत। अगला अजम्पशन है कोलैब वीडियो विद गौरव तनेजा। ये अजम्पशन क्यों है, ये तो कभी भी हो सकता है, अभी बस एक फ़ोन घुमाओगा हो जाएगा, देखना है। हेलो गौरव भाई कैसे हो, गौरव भाई हेलो, फुटप्रिंट्स नहीं नहीं जूता नहीं फुट अभिषेक अंडरस्कोर बिहानी अंडरस्कोर 08 मेरे को बोल रहे हैं यू हैव अ क्रश हू डजंट गिव यू भाव। भाई मेरे ये अजम्पशन नहीं है, ये सच्ची घटना है, ये 100% सच है 100%। आप मिथपैट के बेस्ट फ्रेंड हो। सबसे पहले तो जीशान अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर एस थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बहुत अच्छा टाइटल दे दिया। और रही बात बेस्ट फ्रेंड की, तो मैं और मिथपैट बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं, लेकिन हम लोग, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं और मिथपैट एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन वी आर प्रीटी गुड फ्रेंड्स। और जब भी कुछ यूट्यूब के रिलेटेड या फिर लाइफ के रिलेटेड कुछ भी बातचीत करनी होती है, तो आई फील कि ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। और मैं उसको कुछ भी पूछता हूँ तो एकदम मस्त वाला एडवाइस देता है मेरे को, जिसके हिसाब से फिर मेरा दिमाग भी थोड़ा अच्छा काम करने लगता है। तो हाँ भाई एकदम अच्छे दोस्त हैं हम लोग। ऑल्सो इसी के साथ साथ एक बहुत हम लोग कुछ तो प्लान कर रहे हैं जो आएगा बहुत जल्द, आप लोगों को पता चलेगा, तो व्लॉग्स देखते रहो और समझ जाओगे आप लोग। मूंछों वाले हेयर स्टाइल चरण द लेजेंड, मतलब क्या बोला है भाई, क्या बोला है एकदम, मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं कैसा लगूंगा। तो अपने को ये अजम्पशन रखना ही नहीं, अपने को ना इसको रियलिटी बनाना है, तो इसको ना फटाफट पहले रियलिटी बना दे। देखो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। आई नो बहुत सारे अजम्पशंस थे, लेकिन मैं सारे अगर ले लेता ना तो ये वीडियो है ना बहुत ही कुछ अलग ही टैंजेंट पे चले जाता, और मेरे जो 85,000 होने आ रहे हैं ना सीधा अभी 5,000 पे गिर जाते। तो मैंने सोचा थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल कर लेता हूँ मैं, उदय कंट्रोल कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा देन डू नॉट फॉरगेट टू टर्न द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, आपको जो करना आप कर सकते हो, बिकॉज ये चीज़ मैंने एक एक्सपेरिमेंटल वे में की है। ऐसे व्लॉग्स मैं यूजली बनाता नहीं हूँ, बट मैंने सोचा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई कि कैसा जाता है। तो आप लोग मेरे को बताओ कमेंट्स में कि आप लोग को अच्छा लगा है कि नहीं। ऑल्सो इसी के साथ साथ मैं जिस ट्रिप की बात कर रहा था मेरे पिछले दो व्लॉग्स के पहले, और इनफैक्ट बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ, वो आज 150% फाइनलाइज हो चुका है, सब कुछ आ चुका है, मेरे हाथ में पड़ा है सब कुछ। तो मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ वो है, एक और व्लॉग के लिए रुक जाओ, अगले व्लॉग में 110% बताऊंगा। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स, शुक्रिया।